मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो मैथ के अंदर एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट होगी, और इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन डिफरेंशिएशन निकालना है, देखोगे कि एक्स इक्वल अलग दे रखा और वाई इक्वल अलग दे रखा, तो उस कंडीशन में ये टी की फॉर्म में दे रखा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। और इसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इन्हें अलग अलग सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। और देखो ये पहला क्वेश्चन, और जो मैं बता देता हूँ, जो पुरानी वीडियो डली हुई है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, उसके लिए जैसे ही मोबाइल में चलाओगे और डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तो साइड में तीन डॉट आएंगे, उस पर क्लिक करोगे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, 400x480 चेंज कर लोगे तो स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर देखो जो है, इसके पहले हम इस वाले, ये दो अलग अलग पोर्शन है, ये अलग है ये अलग है, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन अभी तक हम क्या लिखते आए थे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, ठीक। और 2a ये कांस्टेंट है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो t का करेंगे केवल, और सब कांस्टेंट है, तो 2a तो कांस्टेंट हो गया, t की पावर 2 का 2t हो गया। अगर ठीक करेंगे, चलो ठीक करने की बाद में सोचेंगे, पहले इधर का कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर किस के रेस्पेक्ट में करना, इसमें भी t के रेस्पेक्ट में करना, अभी तक तो x के रेस्पेक्ट में करते आए थे, लेकिन अब क्या है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy वाई अपॉन डी टी, ठीक। यहाँ इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो और इसे इक्वेशन टू डाल लेंगे, तो यो a कांस्टेंट है, t की पावर 4 का 4, t की पावर 3, इक्वेशन कितनी होगी, ये 2। अब यहाँ 2 को डिवाइड करना किससे, 1 से, तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डी वाई अपॉन जो डी एक्स है वो निकालना हमें, क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। उस कंडीशन में यहाँ जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो होता क्या है, ये बता देता हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी टी से डी डी टी कैंसिल हो जाएगा और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो इस वाले का जो वैल्यू है, यो ए इंटू 4 टी की पावर 3 और इसकी वैल्यू जो है 2a इंटू 2t। अब देखोगे a से a कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया, t से 1t कैंसिल हो गया, t की पावर 2 बचा, ये हमारे पास आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि x बराबर a cos थीटा। यहाँ पर देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर थीटा क्योंकि ये कॉस थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस का माइनस के साइन हो तो यहाँ माइनस के साइन थीटा हो जाओ, ठीक। अब हम वाई वाला चेक कर लेते हैं, वाई वाला चाहे इसके नीचे लिख लो या यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिख लेते हैं, y इक्वल क्या है हमारे पास, b cos थीटा, तो यहाँ पर b cos थीटा उतार लिया। यहाँ डिफरेंशिएशन लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, dy वाई अपॉन डी थीटा, b माइनस के साइन हो जाएगा इसका भी, ठीक। और ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे और इससे इक्वेशन सेकंड, और यहाँ डिवाइड करेंगे क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ निकालना है, तो उस कंडीशन में जो है डिवाइड करना ही करना है, 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी सॉरी और डी टी नहीं है, थीटा है, ठीक।
अब ये हो जाएगा माइनस के माइनस पहले ले लिया बी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ये भी माइनस के ही है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, बी अपॉन ए, यो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, साइन का क्या हो कॉस टी, इक्वेशन फर्स्ट ठीक, दूसरा उतार लेंगे जो दे रखा पोर्शन, वो है दे रखा वाई इक्वल कॉस टू टी। अब कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन है कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इसके रेस्पेक्ट में करना ठीक है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी, तो ये कॉस का माइनस के साइन टू टी, और टू टी ये जो टू टी है यहाँ पर टी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या है यो टी लिख दिया, वो टू टी लिख दिया, तो यहाँ लेट करा, लेट जहाँ करते हैं वहाँ इंटू में जो जरूर करते हैं डिफरेंशिएशन, टी का बन हो गया टू ऐसे कैसे, तो इसे इक्वेशन दो डाल लेंगे और दो को डिवाइड कर देंगे किससे एक से, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, केवल इतना ही लिख सकें, यो नहीं लिख सक, लिखो मत लिखो कि डी वाई अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट गया, बस यहाँ इस तरीके से ही लिख दो, टू जो नंबर हैं वे पहले लिखेंगे, साइन टू टी अपॉन कॉस टी, तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है एक टू इंटू टू साइन टू टी, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, दो दुनी चार साइन टी, ये आंसर आ गया, सॉरी यो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स यो इतना आ गया माइनस के टू साइन टू टी कॉस अपॉन कॉस टी, साइन टू टी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टू साइन टी कॉस टी, और इसका फॉर्मूला कॉल का कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, दो दूनी चार हो गया, साइन का साइन, यो आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्स इक्वल 40 है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी, 4 का 4 टी का 1, इक्वेशन फर्स्ट होगी, वाई इक्वल उतार लेंगे, वाई इक्वल दे रखा 4 अपॉन टी, यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई अपॉन डी डी टी, अब यहाँ पर जो इसे एक बार मैं लिख देता हूँ कि इंटू में 1 मान लेंगे, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी को दूसरे रूप में इस तरीके से लिख सकें, ये दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, याद होना चाहिए, 4 अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 1 पहले आ जाएगा, टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, एक घटाएंगे माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा, तो इसे ठीक कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन टी की पावर 2, इक्वेशन 2 डाल देंगे और 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 4 टी की पावर 2 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, योर माइनस के 1 अपॉन टी की पावर 2 आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो कि x इक्वल है
कोस थीटा माइनस के कोस टू थीटा, ठीक। डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, कोस का माइनस के साइन हो जाएगा, और इसका कोस का माइनस के साइन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ टू थीटा है तो इसे लेट करेंगे तो टू इंटू थीटा का वन हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट होगी, अब उतार लेंगे वाई इक्वल, वाई इक्वल दे रखा है साइन थीटा माइनस के साइन टू थीटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन का कॉस थीटा और साइन का कॉस टू थीटा, टू टू थीटा को लेट करके करा तो टू इंटू थीटा का वन इक्वेशन होगी टू। यहाँ टू को डिवाइड करेंगे वन से, तो जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा हमें हमारे पास के कॉस थीटा माइनस के टू कॉस टू थीटा, ठीक। टू पहले ले लिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन टू थीटा पहले लिख लेते हैं, माइनस का निशान साइन थीटा क्योंकि ये प्लस के था, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ गया। के एक्स इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए, और थीटा का वन हो गया, साइन का कोस हो गया थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वल दे रखा हमारे पास ए वन प्लस के कोस थीटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए वन का जीरो कोस का साइन, ये इक्वेशन टू होगी। टू को डिवाइड करेंगे वन से, डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा माइनस के ए साइन थीटा, जीरो छोड़ दिया, अपॉन ए वन माइनस के कोस थीटा, ए से ये कैंसिल। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे, यो याद रखना साइन थीटा इक्वल जो है हम टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, यो फॉर्मूला है बाई टू के पदों में, और वन माइनस के यहाँ वन काटने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि वन प्लस के टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यो फॉर्मूला खोल दिया, और टू से टू कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस कोस थीटा अपॉन टू साइन थीटा अपॉन टू, अच्छा कोस अपॉन साइन कोट हो, कोस अपॉन साइन क्या हो कोट थीटा बाई टू, यो माइनस के कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू कोस अपॉन साइन को, यो आंसर आ गया। ओके okay.